गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए फरियादियों की फरियाद को सुना। मुख्यमंत्री स्वयं एक फरियादी के पास जाकर प्रार्थना पत्र लेकर उनकी समस्याएं सुनते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारी को निर्देश दिए कि जनता दर्शन में आए सभी फरियादियों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जाए। यदि किसी की जमीन पर कब्जा है तो उससे माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यदि किसी के पास आवास की सुविधा नहीं है तो उसे प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का निस्तारण करना ही शासन की पहली प्राथमिकता है। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश, SSP डॉक्टर गौरव गुरुवर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पेंशन भी दिलाओ, अगर कोई नहीं तो दिलाओ जी, पेंशन दिलाओ, मकान दिलाओ, राशन कार्ड दिलाओ। एक गोरखपुर खान पैन खाना अच्छी तक काम आप कहाँ से हैं? ये फोरावार थाना क्षेत्र गोरखपुर, कार्रवाई करो। आप कहाँ से आए, क्या हो गया है? कौन और इधर 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 स्कूल जाते हो? स्कूल जाते हो? अरे स्कूल जाते हो? अच्छा, कौन क्लास में पढ़ते हो? खाओगे? खोलना है इसको, और खोल के देखते। कहाँ से आए हैं, क्या हो गया है? नहीं, आपके पक्ष में मुकदमा हो गया। अब क्या समस्या आ रही है? मकान बना तो उसको देखेंगे जी। अगर इसका मकान बना तो वहीं पे इसको कर दो। आप कहाँ से आए, क्या हो गया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गोरखपुर महोत्सव 2024 का समापन हुआ। आपको बता दें कि गोरखपुर महोत्सव के समापन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंपा देवी पार्क में पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहुंचकर जनपद की विभिन्न प्रतिभावान नागरिकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही पद्मश्री से सम्मानित भजन गायक सुरेश वाडकर का भजन भी सुना, जहाँ पर उन्होंने राम तेरी गंगा मैली हो गई गाने की प्रस्तुति दी। इसके अलावा सदर सांसद रवि किशन ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस अवसर पर नागरिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 3 दिवसीय महोत्सव अपनी सफलता की एक नई परचम को गाड़ते हुए आज समापन की ओर अग्रसर हो रहा है। इस अवसर पर हमने कुछ विभूतियों को सम्मानित भी किया है। इसमें एक सम्मान गोरखपुर के एक सपूत को, जिसने कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी के वैक्सीनेशन के अभियान को तेजी दी थी, उन्होंने वैज्ञानिक के रूप में अपना योगदान दिया था, डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट को सम्मानित किया है। वह गोरखपुर के एक सपूत हैं, वह वैक्सीन को बनाने में उनका अहम योगदान रहा है। इस गोरखपुर महोत्सव के मंच पर उनका सम्मान किया गया है, इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा, हमारा यह महोत्सव कई कलाकारों को एक मंच देने का कार्य कर रहा है। यहाँ के लोकल कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा भारत आत्मनिर्भर व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है। परसों मकर संक्रांति है, उसके बाद हमारा दायित्व चाहिए कि हम स्वच्छता के अभियान के साथ जुड़ें, इसमें प्लास्टिक मुक्त गोरखपुर बनाने में सहयोग करें और 22 जनवरी के लिए अभी से लग जाइए। हम अभी से तैयारी कर रहे हैं, हर घर में राम नाम संकीर्तन का कार्य करें, 22 जनवरी के कार्यक्रम पर घर में साफ सफाई करें, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मंदिरों के में लाइव प्रसारण देखें। यह दिन 500 वर्षों के बाद आया है, लेकिन यह दिन देख पाए हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम यह दिन देख रहे हैं। इसलिए लाइव देखें, मंदिरों में पूजा करिए और प्रसाद वितरण करिए और ग्रीन आतिशबाजी करिए, डिजिटल आतिशबाजी करिए। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस का कार्यक्रम है, हम नई योजनाओं के साथ आते हैं और उसके बाद 26 जनवरी को संविधान के प्रति कार्य करें और शपथ लें। यह सब कार्यक्रम होंगे। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, विधायक प्रदीप शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सांसद जो हैं रवि किशन जी, सुपरस्टार हमारे, उनका भी बहुत आभारी हूँ। आयुक्त जी, DM साहब और SSP साहब और मेरे मित्र इस महोत्सव के, रविंद्र कुमार जी का भी बहुत बहुत आभारी, और आप सब इतनी संख्या में आए हैं, आपका सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं मैं। और
अपनी सेवा शुरू करता हूँ। सबसे पहला जो भजन है वो बाबा गोरखनाथ जी के ऊपर लिखा हुआ है, बड़ा खूबसूरत, जो मेरे समापन कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, भैया बांस गांव के मान्य सांसद श्री कमलेश पासवान जी, राकेश भाई सेमिस्तार पासवान, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, हमारे माननीय विधायक गण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, विपिन सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, मुख्यमंत्री कार्यालय में सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे सेवनी अवस्थी जी, कालीबाड़ी के श्री महंत रविंद्र दास जी, काशी से पधारे महामंडलेश्वर श्री महंत संतोष दास जी सतवा बाबा, और महोत्सव के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे
गोरखपुर के वे सभी महाविभूतियां जिन्होंने गोरखपुर को गोरखपुर के रूप में स्थापित करने के लिए जीवन के अलग अलग क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, प्रतिभागीगण, स्थानीय, क्षेत्रीय और देश और दुनिया के अंदर अपनी कला के माध्यम से भारत को एक नई पहचान दिलाने वाले हमारे सभी वे प्रतिभागीगण, कलाकारगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि 3 दिवसीय यह महोत्सव अपनी सफलता के एक नए परचम को गाड़ते हुए आज समापन की ओर अग्रसर हो रहा है। और इस अवसर पर अभी हम लोगों ने कुछ विभूतियों को सम्मानित किया है, खासतौर पर एक सम्मान गोरखपुर के ही एक सपूत को, जिन्होंने कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के वैक्सीनेशन के अभियान को जमीनी धरातल पर उतारने में एक वैज्ञानिक के रूप में अपना योगदान किया, ऐसे से अनंत डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट गोरखपुर के सपूत हैं और एक वैज्ञानिक हैं। DRDO के माध्यम से उन्होंने इस कार्य को वहां तक पहुंचाने में अपना योगदान किया। आज उनका सम्मान गोरखपुर महोत्सव के इस मंच पर किया गया है, मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं। प्रोफेसर सदानंद प्रसाद गुप्त जी, उत्तर प्रदेश साहित्य अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष के साथ ही गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक लंबे समय तक प्राध्यापक के रूप में हिंदी साहित्य को उन्होंने बड़ी सी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर जनपद की 1150 जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन व कंबल का वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं महिलाओं के पास आ गए और उनके साथ फोटो भी खिंचवाया। इस अवसर पर नागरिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज 1150 महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया गया है, इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। यदि यह महिलाएं समूह बनाकर कार्य करें तो निश्चित ही यह महिलाएं प्रतिदिन 500 से 1000 रुपये प्रतिदिन कमा लेंगी। इसमें प्रशासन को भी इनका सहयोग करना होगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मकर संक्रांति के एक दिन पहले महिलाओं को यह मशीन दिया जा रहा है, इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में 2 मेडिकल बैंक की सुविधा दी जा रही है, यदि कोई गांव में बीमार पड़ता है तो यह वाहन जाकर उनको अस्पताल तक पहुंचाएगी, जिसका शुभारंभ आज से हो रहा है। यह मेडिकल वैन गोरखपुर के वनटांगिया और बॉर्डर क्षेत्र के गाँव में जाएगी, इससे मेडिकल की सुविधा मिलेगी। इसके लिए आप सभी को बधाई देता हूँ। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, विधायक प्रदीप शुक्ला, जिलाधिकारी कृष्णा करुरेश, SSP डॉक्टर गौरव गुरुवर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पूज्य महाराष्ट्र के साथ सभी लाभार्थियों, उनके कंबल के उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम, जिसमें तमाम सारे 1150 महिलाओं को सिलाई मशीन, ये ग्रुप फोटोग्राफी, सभी लाभार्थियों का कुशल। इस सर्द मौसम में भी गर्मजोशी, भारत माता की जय, जय सीताराम। JK समूह कानपुर के द्वारा 1150 महिला समूह को सिलाई मशीन वितरण यानी प्रशिक्षण के बाद वितरण के इस कार्यक्रम में साथ ही साथ SBI के CSR मद से 2 मेडिकल वैन के शुभारंभ के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी,
महापौर डॉक्टर मंगेश श्रीवास्तव जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री फतेहबहादुर सिंह जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, विपिन सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, एमडी एवं सीओ एनएसडीएल सुशील पंडा चंडड़ो जी, संस्थापक जेकेटेक अभिषेक सिंघानिया जी, श्रीमती वर्षा सिंघानिया जी, श्री वेदांत सिंघानिया जी, श्री मनीष सिंह मान सिंह का, आशीष चौहान जी, महाप्रबंधक एसबीआई लखनऊ श्यानंद मिश्र जी और सेवा भारती के प्रांत अध्यक्ष राहुल सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित मुख्यमंत्री की सलाहकार के साथ साथ प्रदेश के पूर्व अपर मुख्य सचिव श्री अवनीश अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री दृष्टि सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्त जी और भारी संख्या में उपस्थित गोरखपुर के महानगर ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए महिला समूह से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मकर संक्रांति के और लोहड़ी के एक दिन पूर्व जेके समूह के द्वारा और एनएसडीएल के तत्वाधान में आज दो बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें एक ओर महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है और दूसरी तरफ दूर दराज के ग्रामीण और अति पिछड़े क्षेत्र में जरूरतमंदों के लिए मेडिकल वैन की सुविधा के लिए दो मेडिकल मोबाइल वैन की शुभारंभ का कार्यक्रम। एक मेडिकल वैन गोरखपुर के बंटानिया और बॉर्डर क्षेत्र के थारू और उन सभी गरीब जरूरतमंदों को मेडिकल सुविधा गोरखपुर के माध्यम से उपलब्ध कराएगी और दूसरी मेडिकल वैन वाराणसी के माध्यम से चंदौली सोनभद्र के जनजातीय क्षेत्रों में उन सभी गरीब और जरूरतमंदों तक मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इन दो पवित्र कार्यक्रमों के लिए जेके समूह को, एनएसडीएल और एसबीआई को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस समूह से जुड़े हुए और दोनों प्रतिष्ठानों से जुड़े हुए अधिकारियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी उपस्थित आगत यहां पर गोरखपुर की बहनों और भाइयों का मैं हृदय से इस पूरे समारोह में आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं कि आज आप सब यहां पर इसकी भीषण शीतलहरी के बावजूद यहां पर आए हैं। हम सब जानते हैं कि आधी गोरखपुर महोत्सव 2024 में शुक्रवार की रात भोजपुरी नाइट में विभिन्न कलाकारों ने अपने गानों से जलवा बिखेरा। आपको बता दें कि भोजपुरी नाइट में भोजपुरी सिंगर नीलम सागर ने अपने गानों से नागरिकों का दिल जीत लिया। सभी नागरिक भोजपुरी में भक्ति गानों पर झूमते हुए नजर आए। उसके बाद भोजपुरी सिंगर अनुपमा यादव ने राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी का गाना गाकर पूरा माहौल भक्तिमय कर दिया। सभी नागरिकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। जिस तरह राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होने वाला है, उसकी एक झलक गोरखपुर महोत्सव में देखने को मिली है। भोजपुरी नाइट में आए सभी गायकों ने राम भजन गाकर अपने गानों का शुभारंभ किया। सारे पाप मिट जाएंगे राम।
मुख्यमंत्री के शहर से है और यहाँ मेरा घर है, यहाँ मेरा जन्म हुआ है। मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ और गोरखपुर में रहने के बाद गोरखपुर महोत्सव में सम्मान आज मुझे आमंत्रित किया गया है। इससे बढ़कर मेरे लिए गर्व की बात और कुछ नहीं हो सकती। इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और हमारे बहुत ही प्यारे सांसद रवि किशन जी को। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। एक बार भोजपुरियों में बोल दी का कैसन बड़ा लो, ठीक बड़ा। आज हमने के भोजपुरी में तड़का लगावल जे हम लगाई शिल्पी आइलबड़ी। हमें तो इंतजार है अब 22 जनवरी का, जब हम सब मिलके चलेंगे अयोध्या। मेरे साथ अयोध्या कौन कौन चलेगा? बस और कोई नहीं चलेगा? अच्छा मैं समझ नहीं पाती हूँ, ये आगे वाले ना हाँ बोलते ना ना बोलते हैं, मैं समझ नहीं पाती हूँ। मतलब आज आप लोग को भी तो बोलना पड़ेगा ना, कौन कौन चलेगा मेरे साथ अयोध्या? और प्रेम से बोलेगा जय श्री राम, जय श्री राम। मैं चाहूंगी एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर कर लो, एक बार दोनों हाथ मेरे लिए नहीं राम जी के लिए, पर दोनों हाथ ऊपर करो सीधे सीधे। घर गुलशन सा सजा दो, घर गुलशन सा मेरे सरकार आए की, सजा दो घर गुलशन सा मेरे सरकार आए सरकारी। लेकिन हम चाहेंगे, अगर गोरखपुर की बात है और हम गर्व करते हैं कि हम ऐसे शहर से हैं जहां का सांसद इतना प्यारा है कि वो सभी को अपने दिल में रखता है, जहां के मुख्यमंत्री इतने अच्छे हैं कि एक बात हमारी हमेशा सुनते हैं। तो मैं चाहूंगी एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के पूरे पूरे सीधे सीधे एक बार दोनों हाथ उठा के देखो फिर हाँ चलो इज्जत रख लिए सब मेरी। एक बार दोनों हाथ उठा के और ताली बजा के कि सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए है, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए है। Yeah.
भी प्राग रहने को ऐतिहासिक भीड़ रहे, लेकिन आज गोरखपुर ये भोजपुरिया समाज हमार अनुपमा जी शिल्पी राज यहाँ हमार छोट भाई माननीय सांसद आजमगढ़ दिलेश दिनेश लाल यादव यहाँ अनगिनत और क्षेत्रीय गोरखपुर के कलाकार राहुल पांडे जो सुर संग्राम विजेता बहुत भयन हो आज कर रात कल्पना पटवारी जी यहाँ रात के आज उनकर भी कार्यक्रम तो भैया हो 12-1 बजे तक असिक रात हम कल वादा किए थे पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से ये जो राम राज्य है ये गोरखपुर महोत्सव पूज्य महाराज जी के दिशा निर्देश से तय भइल बा अध्यात्म संस्कृति का पूरा एगो मिश्रण बाटे ज्ञान साइंस फिक्शन एजुकेशन और आनंद भी भैया हो मेहनत करा आनंद ला भोजपुरी के अपने भाषा के प्रेम करा आज ऐसे में हमरे धर्मेंद्र जी हैं हमारे उपाध्यक्ष भाजपा के उनके हम MLC महोदय के स्वागत हमारे सजनवा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक प्रदीप शुक्ला जी के स्वागत बाटे और साथ ही आज बहुत एगो सरप्राइज मेरे दिल के बहुत करीब की ये फिल्म है क्या बात एक मिनट रुक जा हमारे दिल के करीब का फिल्म बाटे महादेव के गोरखपुर पूज्य महाराज जी के भी एक आशीर्वाद मिलल बा क्या गोरखपुर था क्या इतिहास क्या सनातनी विचारधारा कैसे क्या और महादेव जो कपारे पे हैं उसको बताने के लिए आज मलयालम से बहुत बड़े डॉक्टर राजेश मोहनन जी आए हैं उनके साथ उनकी टीम आई है प्रोड्यूसर आए हैं विशेष जी आए हैं मिस दिल्ली भी आई है जो इस फिल्म में